सुहेल देवर्मा ईएम स्पोर्ट्स, हमारा सबसे यंगेस्ट एमडीसी अनंत बाबू वहां में सबसे जवान में है, सपना देवर्मा वर्किंग प्रेसिडेंट त्रिपुरापुरी बदल, ऑर्गेनाइजिंग कमिटी मेंबर्स यहां में और सब हमारा त्रिपुरा साहब को खुलुमखा। आज दरिया है और दरिया के दिन बुबागरा बाबा दरिया से सिर्फ एक ही प्रार्थना करता है, अपना लिए कुछ प्रार्थना नहीं कर रहा है बुबागरा, टिप्रासा के लिए पूजा कर रहा है और बाबा दरिया से एक ही प्रार्थना है कि अपना हाँ में अपना टिप्रासा को खुद का शासन दे दो। बाबा दरिया बहुत साल से जैसे जगदीश बाबू ने हम लोग को बोला है, बहुत साल से 70 साल से हम लोग का परिस्थिति बहुत खराब है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आज गरिया में जो मैं पूरा त्रिपुरा में देख रहा हूं, जो थानसा है, जो एकता है, अगर हम लोग का थानसा रहेगा और बाबा गरिया का आशीर्वाद रहेगा तो ये त्रिपुरा राज्य जिसका शासन सिर्फ त्रिपुरा में नहीं बांग्लादेश में था, उस समय म्यांमार में था, आसाम के तरफ था, मिजोरम के तरफ था, आज जो इतना छोटा हो गया है त्रिपुरा, अगर बाबा दरिया का, अगर हमारा त्रिपुरा सुंदरी माँ का और सबका आशीर्वाद रहा तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन त्रिपुरासा का इतिहास जो खत्म हो गया था वो इतिहास को हम लोग उठा के पूरा देश को दिखाएगा कि हम लोग त्रिपुरासा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, अनिमेश ने एक बात बोला है कि इस साल एबीसी में ने डिसाइड किया, टीटी एबीसी ने डिसाइड किया कि हर सब जोनल में 1,00,000 रुपया गरिया और बुईसू के लिए रुपया दिया जाएगा प्रोग्राम करने के लिए। ये एबीसी ने पहले बार ये डिसीजन लिया कि हर सब जोनल में 1,00,000 रुपए दिया जाएगा फॉर गरिया एंड बुईसू प्रोग्राम। लेकिन इस मंच से बुबागरा आप सबको बोल रहा है, अगले साल हर सब जोनल में हर जगह में एबीसी 1,00,000 नहीं 3,00,000 रुपया देगा आप लोगों को, क्योंकि गरिया बुईसू हमारा हो जाके भी कोई बिजू बोलता है, कोई बुईसू बोलता है, ये हमारा संस्कृति है, हमारा इतिहास है, हमारा आइडेंटिटी है। अगर नागा लोग नागालैंड में अपना कल्चर को दिखा सकता है तो हम लोग त्रिपुरासा लोग अपना त्रिपुरा में अपना कल्चर को क्यों नहीं प्रमोट करें। अगले साल टीटीएबीसी 1,00,000 रुपया नहीं हर सब जोनल में 3,00,000 रुपया देगा प्रोग्राम करने के लिए। यहां में सपना है, सपना में आपको एक बात बोलना चाहता हूं, इस साल थ्रू सब जोनल हम लोग 20,000 रिग्नाई अपना बुरुई गुमा को दे रहा है, 20,000। नया साल है, बुईसू है, नया कपड़ा पहनना चाहिए, तो हमको लगा कि जो बुरुई जो गुमा ने इतना प्यार दिया है आपको भी कुछ मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं सपना, यहां में बुरुई है, गुमा है, सीनियर्स है, अगले साल 20,000 ने हम लोग 50,000 रिग्नाए फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेगा बुईसू और गरिया के तहत। ये पैसा बैंक में है, ये पैसा कॉन्ट्रैक्टर के पास जाता है, ये पैसा से हम आपको क्यों नहीं कुछ दे बुईसू गरिया में, ये आपका पैसा है। बुबागरा
चाहता है कि इस साल खुमपुई एकेडमी में एक स्कूल में हजार हजार एप्लीकेशन है। मैं चाहता हूं कि अगर अपना शासन होगा तो हर ब्लॉक में एक खुमपुई स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल का हमको शुरुआत करना चाहिए और हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हिम्मत चाहिए, सहायता चाहिए और थमसा चाहिए। गलिया जैसे हमारे चेयरमैन साहब बोल रहे थे, गलिया पूजा का मतलब क्या है? गलिया पूजा में हम लोग का जीत हुआ है। ये नया नहीं है, ये सौ सौ साल से चल रहा है और ये गलिया पूजा का एक मतलब है, बुईसु का एक मतलब है। इसका मतलब है कि ये हाम है, ये हम लोग बुकुम्बारा लोग सौ सौ साल से हम लोग ने ये हाम है शासन किया था, ये हमारा फेस्टिवल है, ये हमारा पूजा है। और अगर हमारा पूजा में हमने एबीसी में एक रूल पास किया कि बुईसु और गरिया में छुट्टी सबको मिलना चाहिए और हमने पास किया, अगर हम लोग क्रिसमस में छुट्टी दे सकता है, अगर हम लोग गुरु नानक का जन्मदिन में गुरु नानक जयंती में छुट्टी दे सकता है, अगर काली पूजा में छुट्टी दे सकता है, अगर ईद में हमने छुट्टी दिया, तो हम लोग अपना हर्ची केर बुईसु अपना बिजू अपना संग्रह अपना गलिया हम लोग इसमें ट्रिंग में हम लोग क्यों नहीं छुट्टी ऑफिशियली डिक्लेयर कर सकता है इसके लिए, और होजागिरी में भी हम लोग अपना ऑफिशियली सांग्रोमा में भी ऑफिशियली हम लोग छुट्टी अनाउंस करेगा। ये हमारा कल्चर है ये, और कल्चर में शर्म आने का कोई बात नहीं है, ये हमारा कल्चर है। आप पश्चिम बंगाल जाओ, पूजा के टाइम एक महीना छुट्टी होता है, स्कूल बंद हो जाता है, परिवार एक दूसरे के घर में जाता है, मिलता है, बात करता है। और यहां में हम लोग अपना गरिया पूजा हो, बुईसु हो, होजागिरी हो, कोई रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे बनाएगा नहीं। ये हमारा हानि भूसा का पूजा है, पूरा त्रिपुरा में इसका छुट्टी होना चाहिए। ये आपका जगह है, विश्वास करो, अपना ऊपर भरोसा करो और थंसा रखो। थंसा रहेगा तो दोफा को कुछ मिलेगा, थंसा रहेगा तो तिपरासा को कुछ मिलेगा, थंसा नहीं रहेगा तो आप जाके जगन्नाथ बाड़ी में देख लो, हम लोग का सांग्रोमा को अलग करके एक कोना में रखा गया है। इसके लिए हम बोलता है थंसा रखो, थंसा रखो, थंसा रहेगा तो तिपरासा रहेगा, थंसा रहेगा तो दोफा रहेगा, और दोफा नहीं रहेगा तो बुबाकरा अकेला रह के भी क्या करेगा। इसके लिए मैं आपको आज बाबा गरिया को प्रार्थना करके, मैं अपना ये कुछ नहीं डिमांड कर रहा हूं, बुबाकरा को कुछ नहीं चाहिए, बाबा गरिया अगर हमारा तिपरासा को कुछ दे देगा तो हमारा पूरा दोफा का कल्याण होगा। लास्ट में यहां में हमारा बुरुई है, बुमा है, आप लोग ने हमको बहुत प्यार किया है, हमको बहुत आशीर्वाद दिया है, मैं भी आपका बच्चा जैसा हूं, मैं भी आपका भाई हूं, मैं भी आपका आपके संग हूं फाइट करने के लिए। लेकिन यहां में जो हमारा सैकला है, मैं बोलना चाहता हूं अपना बुरुई का इज्जत करना सीखो। आज गरिया पूजा है, गरिया के बाद सब लोग घर में ठीक से जाओ, ये जो झंडा क्या जुआ खेला जाता है गरिया के नाम में, कहीं में कोई नशा करता है, ड्रग्स करता है, ये ड्रग्स से किसी को कुछ नहीं मिलेगा, हम लोग ही कमजोर हो गए। अगर आपको वॉरियर बनना है, अगर आपको सैंक्राक
आपको सैकड़ा को के फाइट करना है तो आपको फिट रहना पड़ेगा। ये नशा से कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए मुबाकरा आपको बोल रहा है, अपना बुमा अपना बुरी को इज्जत करो और ये नशा को छोड़ो। लास्ट में एवरीवन, आप सबको यहां मेरा प्रोग्राम नहीं था आने के लिए, सोहेल ने मुझे बुलाया, बोला मुबाकरा यहां में आप आया नहीं है, आपको आना पड़ेगा। मैं आया, मैं यहां में चीफ गेस्ट नहीं हूं, मैं यहां में मुख्य अतिथि नहीं हूं, गेस्ट ऑफ ऑनर नहीं हूं, मैं सिर्फ यहां आया हूं क्योंकि मैं आपसे बात करना चाहता था। और ऑर्गेनाइजर्स को मैं एक बात बोलना चाहता हूं, यहां में सोफा सेट रख के कुछ नहीं मिलेगा। हम लोगों का एक सिद्धांत है कि ये मंच में कोई नहीं बैठेगा, कोई भी आईपी नहीं, हम लोग वहां में है, यहां में है। आप लोग हम लोग को यहां में आदर करो, हम लोग को आप लोग यहां में बुलाओ, हम लोग बात करेगा, वापस तिप्रासा के संग बैठ जाएगा। ये वीआईपी कल्चर को हम नहीं पसंद करता है और हम नहीं चाहता है कि जहां भी मुझे निमंत्रण दे ये इस डायस में बिठाए। लास्ट में आई लव यू, आप लोग प्यार करता है कि नहीं हमको? Yes! हमको सुनाई भी दे रहा है, आप प्यार करता है कि नहीं मुझे? Yes! तो मैंने एक चीज सीखा जिंदगी में, जब किसी को आप दिल से प्यार करता है ना तो दिल से बोलो आई लव यू, आई लव यू। और ये प्यार हा के लिए भी है, ये प्यार अपना पिपरासा के लिए भी है, और ये प्यार अपना एक सपना के लिए है जो हमारा देश के लिए है। ये देश, जिस देश में महाराजा नहीं पिपरासा ने शासन किया, एक दिन आएगा वापस, मुझे पूरा विश्वास है एक दिन आएगा जब इतिहास वापस पलट के, ये इतिहास को वापस पलट के, कोई बोलता है ना चलो पलटा है, हम बोल रहे हैं फिर से पलट के, ये हां में तिप्रासा का शासन आएगा। ये मैं आपको बोल रहा हूं, गलाई गलाई नो हम भाई, जय बाबा गौरिया, और अपना पूरा तिप्रासा को तिप्रासा आई ब्लॉक हो, तिप्रा दफा आई ब्लॉक हो, खुलुम था, आई लव यू, और कहा।